हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में यही कि आज की रात तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए कयामत की रात से कम नहीं है। निवार तूफान अपने विकराल रूप के साथ दरवाजे पर दस्तक देने को है। कोरोना काल में निसर्ग और अम्पुन के बाद यह तीसरा चक्रवाती तूफान है जो हम हिंदुस्तानियों का इम्तिहान ले रहा है। जाते जाते साल 2020 और जख्म देने की कोशिश कर रहा है। बचाव के लिए हमारी तैयारी तो पूरी है, मगर कुदरत पर इंसानों का ज्यादा जोर कहां चल पाता है। इसलिए दक्षिण भारत के दो सूबों को दवाओं के साथ साथ आपकी दुआओं की भी जरूरत है। आप देख सकते हैं कि किस उफान पर है इस वक्त लहरें, और एहतियातों के तौर पर जितने भी लो लाइंग एरियाज में लोग रह रहे थे उन्हें खाली कराकर शेल्टर में फिलहाल रख दिया गया है। साइक्लोन का असर जो है वो यहाँ पर समंदर में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। हम पुदुचेरी में मौजूद है जहाँ पे पूरा जो रोड है उसे खाली करा दिया गया है एहतियातन के तौर पर, ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क या जानमाल का नुकसान जो है वो ना हो। खत्म होने को है साल, फिर भी समंदर में मचा हुआ है बवाल। चले जाने के कगार पर है 2020, फिर भी तबाही की दे रहा है पीस। समंदर के दिल में हलचल है, हवाओं की बढ़ती रफ्तार पल पल है। मुश्किल में है जान, समंदर किनारे पहुंचने को बेताब है। तबाही का एक और तूफान। और उस तूफान का नाम है निवार। और निवार के निशाने पर तमिलनाडु और पुदुचेरी। और ऐसे में अभी कोरोना से निवारण हमें मिल नहीं पाया था कि निवार नाम का तूफान इंसान की जान का दुश्मन बनकर चल पड़ा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हम ये पूछ सकते हैं कि पहले कोरोना से मौत का अत्याचार, फिर बार बार तगड़े प्रहार का तूफान। सच सच बता दो, आखिर साल चाहते क्या हो भगवान। इस वक्त हम पुदुचेरी के बीच पर मौजूद है और यहाँ पर जो वेव्स है वो काफी ज्यादा रफ इस वक्त दिखाई दे रही है। लहरें काफी उफान पर है। सीधे तौर पर साइक्लोन का असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमूमन समंदर जो है वो इतना रफ नहीं होता है, और ये साइक्लोन का असर है जिसके कारण सी जो है आज इतना रफ दिखाई दे रहा है। वहीं अपने कैमरा पर्सन एम वेंकटेशन को कहूंगी कि आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। जो बीच रोड है वो पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि पुदुचेरी टूरिस्ट जगह है। ऐसे में टूरिस्ट की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, लेकिन बैरिकेडिंग के जरिए लोगों को नहीं आने को कहा गया है। किसी भी तरह की अनुमति जो है वो बीच पर नहीं दी जा रही है। काफी ज्यादा उफान पर है। यूं तो निवार तूफान अभी पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटों से टकराया नहीं है। रात में तूफान की खतरनाक लैंडिंग होनी है, लेकिन तूफान की आहट मात्र से हर इंसान घबराया है, क्योंकि इसी साल हिंदुस्तान ने अम्फान और निसर्ग जैसे भीषण तबाही के तूफान देखे हैं। इसलिए हर कोई आशंकित तो है ही। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये साल 2020 वाकई हम हिंदुस्तानियों की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि कोरोना की मार से हम लगातार जूझ रहे हैं। पिछले तूफानों से अभी ठीक से उबरे नहीं है कि बंगाल की खाड़ी से उठकर एक और निर्दयी तूफान निवार तबाही के लिए निकल पड़ा है। जो
तो ये विंड स्पीड की वजह से एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है, जैसे कि जो थेटेड हाउसेस है, टीन हाउसेस है, एजबेस्टस हाउसेस है, ये सभी एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ जो ट्रीज अपरूटिंग हो सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, अपरूटिंग भी हो सकता है, और जो रेलवे लाइन है और वो सभी अफेक्टेड हो सकता है बारिश की वजह से। इसकी वजह से अभी ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है, हैवी रेनफॉल कुछ एरिया में अभी हो रहा है। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है वैसा ही कुछ नजर आने लगा है। मौसम करवट ले चुका है, लहरें गोता खा रही हैं, हवाएं तेजी से बहती जा रही हैं। चेन्नई जैसे शहरों में बारिश बेशुमार होने लगी है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। निवार तूफान रात के अंधेरे में टकराएगा, मगर उसके आने का शोर अभी से सुनाई देने लगा है। बारिश के साथ हवाओं का जोर दिखाई देने लगा है। तो फिर ऐसे में सवाल बड़ा बुनियादी है कि आखिर ये नामुराद 2020 का साल और क्या क्या दिखाएगा। कुछ ही घंटे बचे हैं जब आज देर रात और कल अर्ली मॉर्निंग तक जो है ये साइक्लोन पुदुचेरी और तमिलनाडु के तट पर दस्तक देगा, और उससे पहले साइक्लोन का जो असर है वो सीधा देखा जा सकता है। ये साल खत्म होते होते भी लोगों को अब ये साइक्लोन का खतरा भी कहीं ना कहीं देते हुए जा रहा है। ये समस्याएं जो है लोगों के लिए और भी ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि जब तेज हवा बहती है, भारत जो है अब साइक्लोन को फेस करने में सक्षम जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी और लोगों के प्रॉपर्टीज को होता है वो काफी ज्यादा है। सीधे तौर पर 2020 का ये साल जाते जाते भी लोगों को समस्या ही देते हुए जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से निसर्ग तूफान जो है वो हमने देखा था, अम्फान तूफान भी हमने देखा था, और अब इस साल का ये तूफान जो कि निवर तूफान है वो धीरे धीरे इन तटों तक पहुंच रहा है, और जब ये तटों पर पहुंचेगा तो हवा की गति जो है वो काफी ज्यादा होगी। जहां तक स्थिति का सवाल है, बारिश तेज हो रहा है और रात भर बारिश हुई है चेन्नई और पांडिचेरी के इलाके में, और जो लैंडफॉल है वो ममलापुरम और कराईकल के बीच में जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया है, उसके मद्देनज़र जो इवैक्यूएशन की कार्रवाई है वो भी चल रही है, और जो सूचना मुझे SEOC से प्राप्त हुई है लगभग 12 से 15,000 लोगों को इवैक्यूएट ऑलरेडी किया जा चुका है। हो सकता है संख्या बढ़े क्योंकि ये रात का फिगर है। और ऐसी चेतावनी और तस्वीरें देखकर समझ नहीं आता कि ये साल है या फिर बवाल, क्योंकि निवार तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगी, और तब की स्थिति में तबाही का आलम क्या होगा ये मई में आए अम्फान तूफान की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मंजर कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि तूफान की रफ्तार कुछ वैसी ही है। और बड़ी बात यह है कि साल हिंदुस्तान पर तीसरे बड़े तूफान का अटैक होगा। इससे पहले 2 मई को हिंदुस्तान में अम्फान तूफान आया, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भीषण तबाही मचाई, 128 लोगों की जान अम्फान तूफान ले गया था और देश का 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया। और यकीन मानिए अम्फान तूफान की वो तस्वीरें जब भी जहन में आती हैं तो शरीर हिल जाता है, क्योंकि हमने देखा था तबाही का वो मंजर जिसे देख किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहर ढाया था, तो अगले ही महीने जून में बर्बादी की कतार में महाराष्ट्र और गोवा भी खड़े थे। 3 जून को निसर्ग तूफान ने दस्तक दी थी, महाराष्ट्र और गोवा में मौत 6 लोगों की हुई, मगर निसर्ग ने 5,935 करोड़ रुपए की संपत्ति का नाश कर दिया था। निसर्ग तूफान ने मुंबई को तबाही का वो मंजर दिखाया था जिससे मुंबई की रूह कांप उठी थी, क्योंकि मुंबई ने इतने पेड़ों की लाश एक साथ कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी वो हवाएं, वो फिजाएं। और लगातार 2 महीने में 2 समुद्री तूफानों से हिंदुस्तान संभला ही था कि अक्टूबर के महीने में एक और तबाही समंदर के रास्ते दस्तक दे गई। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण तबाही मची, 98 लोगों की बारिश और तूफान में मौत हुई, 5,033 करोड़ रुपए का नुकसान चक्रवात ने अक्टूबर में भी किया, और उस नुकसान की सबसे ज्यादा गवाही हाईटेक शहर हैदराबाद ने दी थी, क्योंकि देश भूला नहीं है कि कैसे पिछले महीने ही समूचा हैदराबाद जल की आगोश में समा गया था।
और बेतहाशा बारिश की ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान इस साल कोरोना के नुकसान के साथ साथ तूफानों की भी भीषण मार झेल रहा है, और जब ये लग रहा था कि अब कोरोना शांत हो जाएगा तो वो फिर से खड़ा हो गया है। जब ये लग रहा था कि तूफान अब नहीं आएगा तो साल के जाते जाते एक और तूफान तबाही का मंजर लेकर चल पड़ा है। अगर अब की बात करें तो तूफान फिलहाल 300 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है और लगातार ये उत्तरी दिशा में बढ़ रहा है। उससे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पुदुचेरी में मौजूद है और पूरा का पूरा जो बीच रोड है वो आप देखेंगे कि खाली करा दिया गया है। लोगों को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि पुदुचेरी टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे में टूरिस्ट की संख्या यहाँ पे ज्यादा होती है, लेकिन टूरिस्ट को भी यहाँ पे आने की अनुमति फिलहाल नहीं है। और जिस तेजी से तूफान आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से अगले 24 घंटे तमिलनाडु और पुदुचेरी पर काफी भारी है। निवार तूफान की रफ्तार 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तूफान रात के करीब 10 बजे तमिलनाडु के मलापुरम से टकराएगा। तूफान के मद्देनजर आज 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। तमिलनाडु के 13 जिलों में कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। पुदुचेरी में तो कल रात से ही धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि पुदुचेरी के गडईकल ममलपुरम में तूफान का तगड़ा असर दिखने वाला है और तमिलनाडु के महाबलीपुरम कांचीपुरम चेन्नई में बारिश का असर दिखने भी लगा है, जिससे बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी कमर कस ली है। हम लोगों ने पिछले दो दिन से एहतियातन हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था और एनडीआरएफ की एज वी स्पीक वर्तमान में जो ताजा स्थिति है उसके अनुसार 23 टीमें तमिलनाडु और पांडिचेरी को मिलाकर लगाई गई हैं। पांडिचेरी में 4 टीमें हैं और तमिलनाडु में कुल 19 टीमें हैं। हमारा जो बटालियन है तमिलनाडु में वो चेन्नई के पास अरकोनम में है, तो वहाँ कुछ रिजर्व टीमें भी रखी गई। आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ के जवान है यहाँ पर जो मौजूद है और लगातार ये जो है लो लाइंग एरियाज तक पहुँच कर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारे साथ महावीर सिंह सर जुड़ रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने एरियाज में जो है आप जा चुके हैं और लोगों को क्या वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है? हम लोग अभी तक नॉर्थ पांडिचेरी में गए थे, सुबह से 3 बार हम लोग जा चुके हैं, तो काफ़ी लोग हम लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। कंटिन्यूसली हम लोग उनको बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको एरिया इवैक्यूएट करना है और लो लाइन एरिया वालों को और कोस्टल एरिया वालों को स्पेशली दूर रहना है। यानी साफ है कि एनडीआरएफ की पूरी कोशिश है कि राहत और बचाव का काम कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया जाए, क्योंकि पिछली बार कई बचाव कर्मी राहत बचाव के दौरान संक्रमित हो गए थे। इसलिए इस बार तूफान के साथ कोरोना से भी बचाव का पूरा प्लान बनाया गया है और नुकसान कम से कम हो, इसीलिए पुदुचेरी में कमजोर पेड़ों को पहले ही काट दिया गया और मछुआरों को भी समंदर में जाने से रोक दिया गया है। और इस वक्त हम मछुआरों के एक ऐसे ही इलाके मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बोट्स जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो मछली पकड़ने के लिए डीप सी में गए हुए थे उन मछुआरों को भी अब वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि साइक्लोन जब हिट करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मछुआरों को होता है, खासतौर पर उनकी बोट्स जो मैकेनाइज बोट्स है वो खासतौर पर डैमेज होती है। और यही कारण है कि अब जो है ये मछुआरे यहाँ से अपने बोट्स को किसी और जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर इन बोट्स को सेफ रखा जाए, क्योंकि जब साइक्लोन हिट होगा तब जाहिर सी बात है कि जब तेज हवा होगी यहाँ पे तो ये तमाम जो बोट्स यहाँ पे आप दूर दूर तक देख रहे हैं वो पूरी तरह से जो डैमेज कर देता है हर बार जब साइक्लोन आता है। हमने इसी तरह से देखा था जब साइक्लोन वर्दा जब आया था। यानी साफ है कि निवार तूफान से निपटने की तैयारी तो पूरी है, कोशिश यही है कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, लेकिन कुदरत के कानून के आगे इंसानों का जोर कहां तक चल सकता है। तमाम तैयारियों के बाद भी सच यही है कि आज की रात तमिलनाडु और पुदुचेरी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज तूफान की रात है।